रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों। काश्तकार दोस्तों, जैसे कि आप आपको पता ही होगा कि हमारे गंदम का सीज़न ख़त्म हो चुका है और काटन यानी कपास का सीज़न ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुका है। तो काटन करने के लिए गंदम की कटाई के फौरन बाद ज़मीन पर गहरे हल चलाएं। अगर आम जो है गहरे हल चलाकर उसको रूटावेटर से ज़मीन को हमवार करें और ज़मीन को दो रूटावेटर लगाकर भुरभुरी करें। उसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करवाएं। लेज़र लेवल जब आप करवाएंगे तो फसल एक जैसा होगा और पानी की बचत भी होगी। कई हमारे जो छोटे काश्तकार हैं वो आम जो है ब्लेड लगवाते हैं अपनी ज़मीन को, या जिसको आम जबान में सिंपल लेवलिंग कहा जाता है, तो वो दो दफ़ा सिंपल लेवलिंग करा के अपनी ज़मीन को सीधा करके अच्छी तरह, जिसको ब्लेड भी बोला जाता है, मैंने आपको कहा, वो दो दफ़ा चला के अपनी ज़मीन को हमवार करके खेलियां बनाएं। और खेलियां बनाने के लिए कोई भी अच्छी से कोशिश करें कि बड़े प्लांटर से आप उस ज़मीन की खेलियां बनाएं। और जब ज़मीन तैयारी होने के बाद, खेलियां बनाने के बाद जब बीज की बारी आए, तो ऐसा बीज इस्तेमाल करें जिसकी आपने परफॉर्मेंस अपनी आँखों से अपने इलाके में देखी हो। ऐसा बीज इस्तेमाल करें जिसकी जर्मिनेशन 75 यानी 75% जर्मिनेशन उगा शरा 75% हो। उसके बाद जब आप काश करें तो सीड ट्रीटमेंट, बीज को सीड ट्रीटमेंट यानी जहर आलूद करके लगाएं, ताकि ज़मीन में से जो लगने वाली बीमारियां हैं वो बीज को ना लगे और बीज महफूज रहे कीड़ों और मकोड़ों से और परंदों से, ताकि हमारी जो जर्मिनेशन है वो जो टारगेट हमने रखा है उस हिसाब से सही आए। तो अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हम नए नए वीडियोस बनाते हैं आप फसलों के मुताबिक वो आपको बर वक्त पहुँच सके।